That's my best friend. हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब? तो कसिनो की हाइस्ट चल रही है अभी हमारी, और तीन चार प्रैप हम कर चुके हैं, यानी क्रू के प्रैप मिला के वैसे दो ही हुए हैं। तो यार थर्ड प्रैप स्टार्ट करते हैं। डगन शिपमेंट इसका नाम है, और डगन फैमिली वही थी जिसको चैन ने मरवाया था कसिनो लेने के लिए। देखते हैं क्या करना पड़ेगा इस मिशन में, और फटाफट इसको भी कम्प्लीट करते हैं। छोटे छोटे प्रैप्स हैं सारे के सारे ये। सिक्योरिटी शिपमेंट, शिपमेंट डिस्ट्रॉय करने हैं 9, और 10 मिनट का भी टाइम नहीं है, पूरा 9 शिपमेंट है। तो इसमें मेरा फ्रेंड है, ये तो अच्छी बात है थोड़ी। वैसे अगर मैं इसको अकेला भी करता तो 10 मिनट में 9 टारगेट हो जाते हैं ये ऑपरेसर से। तो मैं इधर से ले लेता हूँ, ये शहर के कर लेगा, मैं थोड़े बाहर के निपटा लूँगा इतना, और इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। हम कसिनो जब इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें भी था, ऑयल टैंकर डिस्ट्रॉय करने थे ऐसे ही, 4-5 शहर में घूमते हुए। ये सब मिशन कर चुके हैं हम कई बार, कोई मुश्किल नहीं है ऑपरेसर से। अगर किसी के पास ऑपरेसर ना हो तो मुश्किल है, क्योंकि फिर तो इम्पॉसिबल है बोट वगैरह में जाते हुए, स्नाइपिंग वगैरह तो कर नहीं सकते। बाकी ये इधर है, मैं इधर ही इसी साइड चलता हूँ शहर से बाहर। और इसको भी क्या कट करना, इसको मैं कट नहीं करूँगा, कट करूँगा तो 2 मिनट की वीडियो रहेगी। 9 टारगेट 10 मिनट में उड़ाने, यानी 10 मिनट की भी पूरी वीडियो नहीं होगी, पहले उड़ा देंगे हम। और एक टारगेट के साथ चॉपर भी है, देखते हैं। अभी तक इसने एक भी टारगेट नहीं उड़ाया मेरे टीममेट ने। अरे भाई ये क्या है, ये आ गया एक टारगेट और। ये वैन है, वो बोट थी, यानी कई कई तरीकों से इसके शिपमेंट आ रहे हैं। और शिपमेंट हमारे पास तो ऑपरेसर है इसलिए हम उड़ा देंगे, नहीं तो और किसी के लिए तो मुश्किल होगा। अगर मैं अभी कुरुमा वगैरह लेके करता तो मुश्किल हो जाता। कोई बोट है, कोई वैन है सिक्योरिटी वाली, और कोई चॉपर भी होगा, बजर्ड ही ना हो तो मुश्किल होगा। ये सारे अटैक करते हैं क्योंकि, इसलिए ऑपरेसर ज़रूरी है इन सब में। हर एक हाइस्ट में, शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी हाइस्ट हैं इसमें, GTA में सब में ऑपरेसर बहुत ज़रूरी है, और कुरुमा बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें चाहिए चाहिए हाइस्ट करने के लिए। सामने चॉपर है मेरे ख्याल से, यही है, चॉपर भी आ ही गया। इसको भी करते हैं ख़त्म, इससे पहले इसको पता लगे। 3 मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, और उसने किया अभी तक एक। अब मैं इस पर जा रहा हूँ चॉपर वाले पे, ज़्यादा वैसे मेरे हिस्से में ही है ज़्यादा शिपमेंट। एक और कर दी इसने, 4 बचे हैं, 7 मिनट, बहुत आराम से हो जाएगा अभी भी। अब प्रेसर है जब तक, और प्रेसर भी ना हो तो बजर्ड से चल जाता है काम। बजर्ड मेरा तो CEO में फ्री में मंगा सकते हैं, CEO व्हीकल से बजर्ड मैं पहले बहुत मंगाता था, उससे मैंने कई रीसप्लाई वगैरह किया अभी, तो उससे भी हो जाता है। 2 चॉपर हैं, लगानी इसको, एक सिक्योरिटी वाला और एक शिपमेंट वाला। वह शिपमेंट गया, अभी एक है रोड पे से जा रहा है मेरे ख्याल, नहीं रोड पे नहीं है ये, वहाँ पानी में ना हो बस, पास ही मिल जाए। 3 टारगेट बचे हैं सिर्फ, ये रहा बिल्कुल यहीं पे है, चलने के लिए तैयार है ये भी मेरे ख्याल से, इसको देंगे नहीं मौका हम। बोट, मेरे हिस्से का काम हो गया, मेरे हिस्से से ज़्यादा ही हो गया। 2 बचे हैं, और मैं इस वाले पे जाता हूँ, लेफ्ट वाले पे, राइट में वो है ही है मेरा टीममेट, अभी तक उड़ा नहीं पाया पता नहीं क्यों, उसके पास 4 थे, 4 भी नहीं उड़े उस पर। मैं
मुझे देखना पड़ेगा जाके क्या सीन है वहाँ पे। ऊपर ऐसा से उतर गया वो। प्रेशर से उतर के तो मरने नहीं वाला, एक भी टारगेट है तो पक्का की भी पूरी शिपमेंट उड़ानी है, कोई एक नहीं प्लेयर उड़ाना इसमें। बहुत दूर है मेरे से, इसलिए मैं सोच रहा था मैं इस साइड के कर लूँगा और उस साइड के ये कर लेगा, इतने ना इधर के करे ना उधर के, इस पर मुझे जाना पड़ेगा। नॉट डन, पता नहीं क्या कर रहा है, तो रुक गया वहीं पे ही। वापस ले लिया ऊपर सर इसने, शायद इसके मिसाइल वगैरह ख़त्म हो गए होंगे। किसने मार दिया, एक मैं मार ही दूंगा, ये फाइनल टारगेट है और मैं पहुंच भी गया हूँ। रेंज में आते ख़त्म, ये गई वैन। ओके, ईस्ट प्रेप कंप्लीट, सिक्योरिटी शिपमेंट हो गई सारी डिस्ट्रॉय, तो ये प्रेप भी हो गया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रेप के साथ, तब तक ले सबको बाय।